बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सतगुरु की महिमा का बयान जो है करते हुए एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्महि श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फरमाते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की जो परम पावन सत्ता विराजमान है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो सब प्रकार के चल और अचल जीवों के अंदर जो परम सत्ता उस प्यारे की विराजमान है, तत्पदम दर्शितम येन, जिसकी अनंत कृपा से मुझे वो दिखाई देने लगी है, जिसकी अनंत कृपा से परमात्मा का एहसास मुझे सृष्टि के हर जीव में होने लगा है, ऐसे श्री गुरु महाराज जी को मेरा नमस्कार है। फिर फरमाते हैं अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी सुरमा, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी सुरमे को डालकर, शलाका डालकर, अज्ञान तिमिर अंधस्य अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देने वाले और चक्षुर उन्मीलितम येन, अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा जो हमारे चक्षु हमारे अंधे हम हो चुके थे उनका अंधकार मिटा दिया है, ज्ञान रूपी शलाखा डाल दी है, एक सुरमा एक डाला है मेरे प्यारे ने और मेरे अंदर का अंधकार मिटा दिया है, ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे मेरे गुरु महाराज जी को मेरा बार बार नमस्कार है। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे श्री गुरु महाराज जी को मेरा नमन है, नमस्कार है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। इसी बात को अपनी दूसरे स्थान पर अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे हृदय का अंधकार मिटा दिया है। गुरुमुखो, हमारे हृदय का अंधकार मिटा है या नहीं मिटा, इस बात पर विचार करने के लिए अपने गुरु महाराज जी की महिमा जब हम गाते हैं तो हृदय में उस वक्त जो है क्षण मात्र भी अंधेरा नहीं बचता, मन में ऐसा कोई भी नेगेटिव विचार नहीं बचता जो मेरे प्रभु की याद आने पर रह जाए। गुरु महाराज जी की याद आने पर ऐसी कोई अंधकार है ही नहीं जो वहां पर रह जाए, क्योंकि गुरु महाराज जी मेरे प्यारे अंधकार अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। इसलिए उस परम प्यारे को बार बार याद करो,
पल पल याद करो, जिसने उसके नाम की ज्योत हृदय में जगा रखी है और हर श्वास के साथ उसको सिमरन करता है, उसके हृदय में अंधकार नहीं रह सकता फिर ना। और सबसे बड़ा अंधकार क्या है, जरा ये भी समझ लें, सबसे बड़ा अंधकार जो है वो संशय भ्रम है। ये आस्था पक्की नहीं होती कि मेरे सतगुरु ही सर्व समर्थ हैं, मेरे सतगुरु ही सब कुछ करण करावनहार हैं। ये बात हमारे दिल में जब तक पक्की नहीं होती, तब तक हमारे अंदर का अंधकार मिटता दिखता नहीं है। अंधकार मिटने का मतलब ही है कि मेरे अंदर संशय भ्रम उठने बंद हो गए। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान अंजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने ज्ञान रूपी शलाका डाल दी है, सुरमा डाल दी है मेरी आंखों में। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में साक्षात सर्वेश्वर परमात्मा हैं। माते महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जिनकी कृपा रूपी किरणों से महामोह रूपी तम पुंज अंधकार का जो पसारा है वो उसकी कृपा की एक कणी मात्र से दूर हो जाता है। रवि कर निकर, जैसे सूर्य के आने पर वो सारा अंधकार दूर हो जाता है, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा की एक झलक से वो सारा हृदय का अंधकार मिट जाता है। और जो मेरी अर्ज थी गुरुमुखो, संशय भ्रम एक अंधकार है जो गुरु महाराज जी की कृपा से उतरता है। एक भगत गुरुमुख परिवार जो है श्री दरबार की तरफ जा रहा था, तो उनके वहां पर जो है श्री अनंतपुर जब वो पहुंचे, श्री दर्शन किए और वापिस आ रहे थे, तो रास्ते में ट्रेन में बड़े प्रेम आपस में उनकी बैठे बैठे चर्चा चली कि गुरु महाराज जी ही अपने प्रेमियों का सारा कार्यभार जो है गुरु महाराज जी अपने ऊपर लेते हैं। यानी दरबार में जब हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, कहते हैं घर पे चलने से पहले पूरी प्लानिंग बनाने से लेकर और श्री दरबार में पहुंचने तक, वहां का सारा दर्शन कराने तक, वापिस घर जाने तक, कहते कि पूरे समय में श्री गुरु महाराज जी हमारी उनकी कृपा से हमारे अंग संग वो रहते हैं, सदगुरु हमारे अंग संग रहते हैं। हम सब इस बात के गवाह हैं गुरुमुखो कि हमारे प्रभु जब 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 हम श्री दरबार में जाने का संकल्प लेते हैं, हमारे सदगुरु हमारे अंग संग होते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो ये चर्चा इन प्रेमियों के बीच में चल रही थी, तो उनमें से एक भगत जी के मन में एक संशय पैदा हुआ। कहते ये क्या मतलब है कि ये जो बात आपस में कर रहे हैं उसको समझ नहीं आई बात। कहते कि अस्सी मैंने खुद सीट बुक कराई है, हम खुद यहाँ पे अपना सामान उठाकर आते हैं, खुद चलते हैं और खुद वापस जाते हैं, मतलब आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, सारा इंतजाम तो मैं हम खुद करते हैं, फिर इसमें गुरु महाराज जी बीच में कहां से आ गए, उसकी कृपा कहां से आ गई बीच में। अभी देखो संशय है, अंधकार तिमिर है, ये अंधकार है। कृपा हो रही है, कृपा में कोई कमी नहीं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन भगत ने अपनी आंखें कृपा के प्रति बंद कर ली हैं, वो कृपा नहीं देख रहा, अब वो अपनी करनी को देख रहा है। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, वही अंधकार रूपी जो तिमिर है वो कहां से आ रहा है, वो हमारी होमे है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, महामोह ये जो संशय भ्रम है, ये एक प्रकार का अंधकार है, जिसके हृदय में आ गया उसको कृपा दिखाई देनी बंद हो जाती है। मैं फिर वही अर्ज कर रहा था गुरुमुखो, दासनदास की अर्ज ये थी कि देखिए सूरज चढ़ा हुआ है, उसके चढ़ने में कोई संशय नहीं है, लेकिन बीच में एक काली बदली आ गई है,
सब कुछ वैसे का वैसा ही है, लेकिन उस बदली ने ढक लिया, ऐसा लगता है कि सूरज चढ़ा ही नहीं हुआ। उस बदली ने इस प्रकार से ढक लिया है, ऐसा लगता है सूरज चढ़ा ही नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि जब संशय रूपी बदली बीच में आ जाती है, ऐसा लगता है कि गुरुमाई की कृपा है ही नहीं, भ्रम आ गया। तो श्री गुरु महाराज जी भी उस भ्रम को दूर करते हुए देर नहीं लगाते, सब कुछ देखिए गुरुमुखो हमारे बीच में ही हो रहा है, ये लीला हमारे पल पल हमारे चारों तरफ लीला हो रही है, हम सिर्फ समझते नहीं है। अपनी आंखें खुली रखिए और पल पल नित नित वेखण प्रेमी नए चमत्कार, रोज रोज नए चमत्कार प्रेमियों को दिखाई देते हैं। इस भगत जी ने ये जो बात चल रही है आपस में कि हम खुद सीट बुक करा रहे हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं, खुद उतारते हैं सामान, खुद ही ढोकर वापस लेकर जाते हैं, इसमें कृपा वाली कौन सी बात होगी कि गुरु महाराज जी छोड़ने आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी छोड़ने आते हैं और गुरु महाराज जी लेने आते हैं, बड़ी अजीब सी बात लगी उनको। तो भगत जी जब घर पहुंचे, जब ट्रेन से स्टेशन पर अपने पहुंच गए, वापिस जब आ रहे हैं, श्री अनंतपुर से वापिस आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म से जब सामान लेकर चलने लगे घर की तरफ, तो जाते हुए इनने खुद ही, इन भगत जी ने तीन तीन बैग अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए थे जब श्री अनंतपुर जा रहे थे। अब आते हुए प्रभु जी ने अपनी लीला का चमत्कार दिखाया, इसके मन में जो संशय जो पैदा हो गया, इसने अंधकार, इस बदली ने ढक लिया ना, उसकी कृपा को ढक लिया, तो अभी ये देख नहीं पा रहा है। तो ठीक है, गुरु महाराज जी भी इसे दर्शा रहे हैं कि कृपा क्या चीज होती है, देख तो। अब जाते हुए यही बंदा तीन दिन बैग जो उठाकर लेकर जा रहा था, आते हुए अब जब ये प्लेटफॉर्म से चला है, तो कहते एक हल्का सा बैग भी इससे उठाया नहीं जा रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है। और कोई थकावट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि थका हुआ हूं इसलिए नहीं उठाया जा रहा है, शरीर भी स्वस्थ लग रहा है, हिम्मत भी पूरी है, जान भी पूरी है, श्रीनंदपुर से होकर जा रहा है भाई, दर्शनों का अपना आनंद है, अपना नशा है और अपनी ताकत है, पूरी बैटरी चार्ज होकर जा रहा है। तो सब कुछ होते हुए भी लेकिन एक बैग भी इसको उठाना भारी हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है इसको, बड़ा परेशान हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जाते हुए तीन तीन बैग उठाकर लेके गया, अब आते हुए एक बैग भी नहीं उठाया जा रहा। चलो जैसे तैसे करके घर पहुंचे, घर पहुंचे श्री मंदिर में माथा टेकने लगे, जैसे ही आगे प्रभु जी के आगे झुके, श्री गुरु महाराज जी की मूर्त के आगे झुके, तो प्रभु जी का मोतियों वाला हार जो गले में प्रभु जी के आगे पहनाया हुआ था वो नीचे गिर गया। इनको और बड़ा अजीब सा लगे, पहले तो सामान एकदम से भारी लगने लगा और अब ये हार नीचे गिर गया प्रभु जी का, ये जाके ना ये कोई ना कोई माजरा जरूर है, मुझे कंफर्म करना चाहिए। भगत जी गए, उन्होंने अपने भाई जी के आगे सारी विनती करी कि ऐसे ऐसे सारी लीला मेरे साथ हुई है, बताओ क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। तो गुरुमुखो हम जैसे नादान जीवों को समझाने के लिए तो प्रभु जी ने रहबर वाला सिस्टम बनाया है ना, ताकि हम अपने संतों से जाकर पूछ सकें। जब हमारे हम ऐसे संशय भ्रम में फंस जाएं, इस अंधकार में फंस जाएं, तो इस अंधकार से बाहर कौन निकालेगा, कौन आकर बताएगा कि तूने क्या गलती करी है। इसीलिए अपने संतों के आगे माथा टेका जाता है, इसीलिए अपने रहबर का सम्मान किया जाता है, ताकि वो ऐसे समय में हमें लाइव वो चीज समझा सकें। प्रभु जी की कृपा हो रही है और जो प्रेमी है वो इस चमत्कार को देख भी ले, समझ भी पाते हैं। लेकिन हमारा मन जो है, जो संशय भ्रम में आ चुका है, जिस समय हम खुद ही अपनी जेल के अंदर बंद हैं, तो फिर बाहर कौन निकाले, कोई दूसरा चाहिए ना उस समय में। तो भाई जी के आगे जब विनती हुई, तो भाई जी ने बड़े प्रेम से इसको समझाया कि नादान तू क्या कर रहा है, तूने गुरु महाराज तुम्हें क्या दर्शा रहे हैं, तूने तेरे मन में क्या भाव उठे थे, जरा खुद याद कर, तू अपने मन के भावों को याद करके तूने क्या सोचा था। उसने सारी बात कर दी कि भी ऐसे ऐसे बात हुई थी, तो मेरे मन में संशय आ गया था कि गुरु महाराज जी हम सबको सारे काम तो हम खुद करते हैं, टिकटें हम बुक कराते हैं, सामान हम ढोकर लेके जाते हैं, गाड़ियां हम बुक करते हैं, उसके बाद आगे ललितपुर से आगे जाना होता है तो कहते हैं वहां से अपनी कैब वो हम अपनी बुक करते हैं, पैसे हम देते हैं, इसमें गुरु महाराज जी की कृपा कहां से आ गई।
कौन कहता है कि गुरु महाराज जी लेने आते हैं? सब कहते हैं गुरु महाराज जी लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं अपने प्रेमियों को। बड़ा अजीब लगा इनको। कहते अब जब देखा ये सारी बात तो पूज्य भाई जी ने बड़े तरीके से इसको डांट पिलाई, समझाया इसको कि तू कैसा नादान है, तेरे को समझ नहीं इस बात की कि प्रभु जी ने तुझे दर्शा दिया है कि हम ही तेरे को लेने आते हैं और हम ही तेरे को छोड़ने आते हैं। हमारी कृपा के बिना एक छोटा सा बैग भी तेरे को ऐसा भारी लगेगा तो सम उठा नहीं पाएगा। समान तो क्या, तू अपने जीवन का बोझ भी इसी प्रकार से है गुरुमुखो। ये तो केवल उदाहरण मात्र दिखाने के लिए है। प्रभु जी दिखा रहे कि कृपा क्या चीज होती है। कृपा सब कुछ है। संशय भ्रम नहीं लेकर आना। संशय भ्रम ऐसा अंधकार है जो ज्ञान को भी ढक देता है, ज्ञान रूपी सूर्य को ढक देता है। सतगुरु इसी भ्रम बोले को से हमें आजाद करने के लिए आते हैं। तो उसके भगत जी के हृदय का संशय भ्रम दूर हो गया और उसने भाई जी से बार 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 माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, वरना ऐसे ही हम लोग भटकते रहते हैं। गुरुमुखो ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो अपने मालिक से हमें दूर कर देती हैं। भक्ति की राह में आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जाना शुरू कर देते हैं। तो जब भी ऐसी कोई बात हमारे मन में आए, कोशिश करें तुरंत जो है उसका निवारण कर लें, कहीं ना कहीं से पूछ लें, वरना इस संशय का अंधकार हमें कब तक गलतान करी रखेगा, कब तक मम्मी अंधकार में पड़े रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गुरु महाराज जी से यही बार बार अरदास करनी है कि प्रभु ऐसे किसी संशय भ्रम में हमें ना पा देना, हमें इन संशयों से सदा आजाद रखना। हमारा मन जो है सदा आपके साथ ही लगा रहे, हम आपके नियमों में दृढ़ रहे। और इसीलिए गुरुमुखो ऐसे प्रेमियों का साथ कभी ना छोड़ना, अपने संतों का साथ कभी ना छोड़ना। अपने संत हो, अपने रहबर हो या ऐसे गुरुमुख हो जो भक्ति में आपसे आगे हो, उनका साथ बनाकर रखना है ताकि आपको ये गाइडेंस मिलती रहे, आपका मन भ्रम भुलेखों से बाहर आया रहे। गुरु महाराज जी दया करें, हमें इन भ्रमों से बचा कर रखें और अपने प्यारे प्रभु के साथ हमारा प्रेम बढ़ता रहे, उनके नियमों पर हम लगातार चलने की पूरी पूरी कोशिश करें और उनकी दया से संसार में भी आनंद पूर्वक रहें और संसार छोड़कर जब जाएं वहां आगे भी अपने प्रभु की कृपा को पाकर वहां भी आनंद माने। इसी कृपा और आनंद को अपने हृदय में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा बोल।